बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज के इस वीडियो में 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, जिसका नाम है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि वेबसाइट कैसे बनती है और आप अपना एक छोटा सा वेब पेज क्रिएट करने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, चूँकि प्रैक्टिकल चैप्टर है तो जो चीज़ थ्योरी में है वो थ्योरी में बताऊंगा, जो चीज़ प्रैक्टिकल में है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपने सीखना है कि वेब पेज कैसे बनाया जाता है तो सारे लेक्चर एक तरतीब में सीक्वेंस में सुनने पड़ेंगे। यानी आज फर्स्ट लेक्चर जिसमें इंट्रोडक्शन है, अगर ये लेक्चर नहीं आया तो नेक्स्ट चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए पूरी बुक के इजी वर्डिंग में, जिसमें एक्टिविटीज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस, एमसीक्यूज, हर चीज़ है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड किए हुए हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो चैप्टर है, ये चूँकि एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जैसे मैंने पहले बात की, तो इसलिए इसका हर कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, वरना प्रैक्टिकली भी नहीं होगा ये, क्योंकि जो चीज़ इसकी थ्योरी में अगर वो समझी होगी तो फिर प्रैक्टिकल आएगा। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन है, आज स्टार्ट करते हैं कि वेबसाइट जो है ये बनाने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और ये सारा क्या है। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना है वो हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने जिस लैंग्वेज के थ्रू वेबसाइट बनानी, वेबसाइट को बनाने की बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं याद रखो, लेकिन जो हमने लैंग्वेज पढ़नी है वो एक बेसिक, एक सिंपल लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस, वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसका नाम है HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक सिंपल लैंग्वेज है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए, और जब वेब पेजेस मिल जाते हैं तो वो एक वेबसाइट बन जाती है। यहाँ पर दो टर्म्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ वेब पेज और एक मैं बोल रहा हूँ वेबसाइट। वेब पेज क्या होता है और वेबसाइट क्या होती है? हम लोग एक्चुअली बनाते वेब पेजेस हैं, मतलब जो बंदा वेबसाइट बनाता है वो पेजेस बनाता है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप बोर्ड की वेबसाइट पे जाते हैं तो एक होम पेज हमें नज़र आ रहा होता है, होम का पेज होता है, उसके अंदर रिजल्ट और मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं। जब हम रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक नया वेब पेज खुल जाता है। तो ये सारे पेजेस आपस में एक्चुअली लिंक होते हैं। तो जो बंदा वेबसाइट बनाता है वो एक्चुअली वेब पेजेस बनाता है, बाद में उनको लिंक करता है तो एक वेबसाइट बनती है। ठीक हो गया, समझ आ गई इस बात की? तो ये वेबसाइट और वेब पेज में फ़र्क है। जैसे कि एक बुक होती है तो बुक के पेजेस होते हैं, जब उन पेजेस को मिलाया जाता है, बाइंड किया जाता है, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, तो वो एक बुक की शक्ल इख्तियार करती है, वो एक बुक बन जाती है। इसी तरह से वेब पेजेस और वेबसाइट का कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया, तो ये जो HTML है ये एक ऐसी सिंपल लैंग्वेज है जिसके जरिए से हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। तो इन शॉर्ट जब वेब पेजेस बनते हैं तो हम कह सकते हैं वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं इसके जरिए से। अब ये जो HTML है, इसको मज़ीद आगे पढ़ने से पहले मैं वेबसाइट का और HTML का आपस में थोड़ा सा ताल्लुक डिफाइन कर दूँ, उसको ज़रा समझिएगा ध्यान से। जब भी हम अपने ब्राउज़र के अंदर, ब्राउज़र किसे कहते हैं जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, लाइक गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउज़र होता है और दीगर ओपरा वगैरह जितने भी ब्राउज़र्स हैं, जब हम वेब ब्राउज़र के अंदर वेब पेज सॉरी किसी वेबसाइट का नाम लिख के एंटर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उस वेब पेज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा www.youtube.com, जब आपने लिख के एंटर किया तो आपने एक्चुअली रिक्वेस्ट की है वेब सर्वर को, वेब सर्वर, वो सर्वर जिसके ऊपर YouTube का वेब पेज और वेबसाइट पड़ी हुई है, कि मुझे भाई YouTube का जो भी डाटा है वो दिखाओ, मैंने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में देखना है। तो जो वेब सर्वर होता है, जो सर्वर कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर के पीछे नेटवर्क्स में हमने पढ़ा था नेटवर्क वाले चैप्टर में, चैप्टर 3 में, तो जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसको रिक्वेस्ट जाती है हमारे कंप्यूटर से, जो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर होता है, हमारे ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास कि भाई मुझे ये वेब पेज या वेबसाइट की एक्सेस दे दो, मुझे दिखा दो, मैंने देखना है, मैंने इसको यूज़ करना। यहाँ से जाती है रिक्वेस्ट। सर्वर जो है वो रिटर्न में हमें क्या भेजता है? हमें रिटर्न में HTML भेजता है। सर्वर जो है वो हमें रिटर्न में HTML भेज देता है। HTML से मुराद ये है कि जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई है उसने तो पीछे कोडिंग लिखी हुई है। कोडिंग से मुराद ये है कि वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखता है वेब पेज बनाने के लिए, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोगों को जब वेबसाइट नज़र आती है तो उसके अंदर तो वो कोड और जो कुछ उसने बैक पे लिखा हुआ है वो हमें नज़र नहीं आता। इस तरह से जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो सॉफ्टवेयर जो हमें नज़र आ रहा होता है, एक्चुअली उसके पीछे एक स्पेसिफिक कोड लिखा होता है, ठीक है, वो हमें नज़र नहीं आता।
तो इसी तरह से सर्वर हमें रिटर्न में वो चीज़ें दे देता है जो इसको बनाने वाले ने लिखी हुई हैं, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आती। हमें YouTube का पेज नज़र आता है या जो भी वेबसाइट है वो एज इट इज़ नज़र आती है। क्यों नज़र आती है? क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है जिससे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जिससे हम एक्सेस मांग रहे हैं, जो हमारा वेब ब्राउज़र है जैसे गूगल क्रोम है या जो भी वेब ब्राउज़र है जिसमें हमने वेब पेज का एड्रेस लिख के एंटर किया, लिंक लिख के एंटर किया, तो वो जो ब्राउज़र है वो उस कोड को समझता है, वो HTML को समझता है और उसको पता है कि इस कोड का क्या मतलब है। वो उसको कन्वर्ट करके हमें उस पेज की शक्ल में दिखाता है। ठीक है, अभी इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन होगी, आपको समझ आ जाएगी। तो ये बात जो है ना अभी मैं वाजिया करता हूँ मज़ीद। ये जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का नाम है, इसके नाम के अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में आने के चांस हैं। एक चीज़ है हाइपरटेक्स्ट और दूसरी चीज़ है मार्कअप लैंग्वेज। ये असल में दो चीज़ों का मजमुआ है, ये जो नाम इसका रखा गया HTML, ये क्या है? हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट किसे कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट इस चीज़ इस वजह से इसका नाम रखा गया क्योंकि जब आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर एक हाइपरलिंक मौजूद होता है, एक स्पेशल टेक्स्ट होता है हाइपरलिंक, हर वेबसाइट के ऊपर होता है। हाइपरलिंक क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, बोर्ड की वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे लिखा हुआ था रिजल्ट, आपने रिजल्ट के ऊपर क्लिक किया तो एक नया वेब पेज खुल गया। या अक्सर हम वेबसाइट पे जाए ना तो लिखा होता है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक हेयर, मजीद मालूमात के लिए यहाँ क्लिक करें। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो कोई और वेब पेज या उसी वेबसाइट का कोई दूसरा पेज खुल जाता है। तो एक्चुअली इसके बैक पे जिस बंदे ने ये बनाई है वेबसाइट, उसने इस वर्ड के बैक पे वो लिंक लिखा हुआ है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो वेबसाइट या वो लिंक खुल जाता है। ठीक हो गया, तो इसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनके अंदर हाइपर टेक्स्ट लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं ताकि हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जंप कर सकें। ठीक हो गया, इसलिए इसके नाम के अंदर हाइपर टेक्स्ट आता है। मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है? मार्क, ये जो वर्ड है मार्क, इसका मतलब होता है निशान। तो मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है? जो शख्स वेबसाइट बनाता है, जैसे हम इस चैप्टर में बनाना सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हमने वेबसाइट में कोई पिक्चर ऐड करनी है, जब भी हमने वेबसाइट के अंदर कोई पैराग्राफ लिखना है जो हम चाहते हैं हमारे यूज़र को नज़र आए स्क्रीन पर, तो हम लोगों ने उस इस लैंग्वेज के अंदर ये बताना होता है कि ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। हम मार्क कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं कि ये चीज़ यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ एंड हो रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक पैराग्राफ लिखना है अपने वेब पेज के अंदर और आप चाहते हो कि आपके जो यूज़र हैं जो आपकी वेबसाइट को इस्तेमाल करें उनको ये पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आए, तो आप लोग इस तरह से मार्किंग करते हो, ये टैग लगाते हो, पी का टैग लगाते हो, पी। यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड लिखा कंप्यूटर टीचर और यहाँ पे लगाना है स्लैश पी। ठीक हो गया, ये जो पी है और ये जो पी है ये क्या है? ये असल में मार्क्स हैं, मार्क्स हैं, निशानात हैं जो ये बता रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ शुरू हुई है और यहाँ एंड हो गई है, अगली जो चीज़ होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, मतलब इस चीज़ को हमने इसके अंदर बंद कर दिया, ये मार्किंग है। इस वजह से इस लैंग्वेज को मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि हर चीज़ लिखने के लिए उसको स्टार्ट और एंड करके हमें मार्क लगाना पड़ता है। इस चीज़ को कहते हैं ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग, ये टैग्स होते हैं, और इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग, जिससे टैग क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग टैग जब स्लैश लगा के पी। ये पैराग्राफ के लिए होता है, तो और भी टैग्स होते हैं वो आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैंने आपको मिसाल दी। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ये पैराग्राफ जो भी इसके अंदर मैंने लिखा या जो वर्ड लिखा, ये इसका कंटेंट है। ये क्या है? इसका कंटेंट है। और ये टोटल चीज़ क्या है? ये टोटल हमारे उस वेब पेज का एलिमेंट है, उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, जो हमारा वेब पेज नज़र आएगा उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो जब भी हमने कोई एलिमेंट ऐड करना होता है जिसके अंदर हमने कोई कंटेंट लिखना है, उसके लिए ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाना होता है जो ये बताते हैं कि ये चीज़ यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ एंड हो रही है। ये मार्किंग हम कर रहे हैं, हम मार्क्स लगा रहे हैं, निशानात लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसके नाम का। ठीक हो गया, अब आज वापस जो भी मैंने आपको बताया कि जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को तो सर्वर रिटर्न में हमें HTML देता है। HTML से मुराद है वो हमें ये देगा जो उस जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई उसने लिखा, वो ये देगा। लेकिन हमारा ब्राउज़र हमें ये नहीं दिखाता, हमारा जो ब्राउज़र है वो हमें ये दिखाएगा। बस वो नहीं दिखाएगा ये क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा। क्यों? क्योंकि हमारा ब्राउज़र HTML को समझता है, वो उसको वैसे दिखाता है जैसा यूज़र को दिखाना चाहिए, तो हमें कभी भी ये टैग्स वगैरह नज़र नहीं आते। हालांकि सर्वर रिटर्न में हमें ये सारी चीज़ें ही देता है,
लेकिन हमें ये टैग्स नज़र नहीं आते क्योंकि जो हमारा ब्राउज़र है वो इस चीज़ को समझता है, उसको पता है क्या चीज़ दिखानी है और किस तरह से दिखानी है। तो ये कॉन्सेप्ट था HTML का, ये इसका इंट्रोडक्शन था कि HTML लैंग्वेज होती क्या है और इसके अंदर इसके नाम का मतलब क्या है और हम कैसे वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, हमें वेबसाइट कैसे नज़र आती है और ये हाइपरलिंक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अहम है इसके अंदर। लास्ट इसके अंदर एक पॉइंट है वो ज़रा समझ लें कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव, केस से मुराद है अपर केस और लोअर केस। जब हम इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, जब हम इसके अंदर लेटर्स लिखेंगे अपर केस और लोअर केस, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसके अंदर अपर केस में लिखो, आप इसके अंदर लोअर केस में लिखो, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। यानी अगर आपने, जैसे मैंने यहाँ कैपिटल पी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे स्मॉल पी लिख दो, ठीक है, आप यहाँ पे इस तरह करके स्मॉल पी लिख दो, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो इशू। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कैपिटल लिखो, आप स्मॉल लिखो, ये केस सेंसिटिव नहीं है, केस को सेंस नहीं करती लैंग्वेज। ये HTML जो है केसेस को सेंस नहीं करती। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो केसेस को सेंस करती हैं कि अपर केस है लोअर केस है, जहां अपर केस लगाना है वहां अपर केस ही लगाना पड़ेगा, जहां पर लोअर केस लगाना है वहां लोअर केस ही लगाना पड़ेगा, लेकिन HTML ऐसी लैंग्वेज नहीं है। HTML में आप अपर लगाओ लोअर लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है कि इतनी समझ आ गई होगी। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।